हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में टाइम एंड आवर का क्वेश्चन करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड, टाइम एंड आवर का क्वेश्चन किस प्रकार हल किया जाता है। तो फ्रेंड, हमने पहला क्वेश्चन लिया इस प्रकार लिया है, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। फ्रेंड, कहने का तात्पर्य ये किसी कोई कार्य है वह 10 दिन में कर दे रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देता है। अगर दोनों मिलकर कार्य एक साथ मतलब दोनों अगर एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो आइए फ्रेंड देखते हैं किस प्रकार इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे ई का जो कार्य है पहले उसको लिख लेंगे, फिर बी का कार्य जो है उसको लिखेंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड, ये 10 दिन में कार्य समाप्त करता है, तो यहाँ पे ए का कार्य लिख लिए 10 दिन, बी जो है इसको 15 दिन में समाप्त कर रहा है तो बी का भी लिख लिए 15 दिन। अब फ्रेंड क्या करेंगे, हमको टोटल कार्य तो पता नहीं है, ये तो पता है कि ये 10 दिन में कार्य कर रहा है, बी 15 दिन में कार्य कर दे रहा है, लेकिन फ्रेंड हमको कार्य नहीं पता कितना टोटल कार्य है। तो टोटल कार्य हमको निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यह फ्रेंड 30 एलसीएम आ गया। अब हमको टोटल कार्य पता हो गया कि 30 कार्य है, इस कार्य को ए 10 दिन में समाप्त कर दे रहा है और बी 15 दिन में समाप्त कर दे रहा है। तो फ्रेंड हमको इसको एफिशिएंसी पता लगाना पड़ेगा पहले कि ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। तो इसका एफिशिएंसी हमको पता लगाने के लिए कि ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, तो इसका हमको पता लगाने के लिए क्या करेंगे, 10 से हम भाग करेंगे 30 में, तो 10 से भाग करेंगे 30 में तो तीन बार में कटेगा, 10 तीन 30 होगा, तो यहाँ पे ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा। फिर बी से काटेंगे, बी का 15 है तो 15 से काटेंगे 30 में 30 को, तो फ्रेंड यहाँ पे दो बार में कटेगा। ये हमको मतलब ये जो है एक दिन में तीन कार्य कर रहा है तो 10 दिन में 30 कार्य कर ले रहा है, अब बी जो है एक दिन में दो कार्य कर रहा है तो 15 दिन में 30 कार्य कर ले रहा है। ये तो हमको पता चल गया एफिशिएंसी होता है कि एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। तो फ्रेंड हम इसको ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा जो फ्रेंड एफिशिएंसी दोनों का, ये हो जाएगा ए प्लस बी का एफिशिएंसी, ए प्लस बी का ये दोनों का एफिशिएंसी हो जाएगा। ये दो ए है और बी दोनों मिलकर ये कार्य कर रहे हैं तो इनका एक दिन का कार्य 5 हो रहा है, तो 30 दिन का कार्य हम निकालेंगे। एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं तो 30 यहाँ पे कितना दिन में 30 कार्य कर लेंगे, तो क्या करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे 5 से भाग कर देंगे 30 में, तो हो जाएगा 5 × 6 = 30 दिन। तो यह फ्रेंड हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब एक दिन में अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 कार्य कर रहे हैं तो 6 दिन में 30 कार्य उनका पूरा हो जाएगा। आइए फ्रेंड इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं, कुछ अलग टाइप का है। तो फ्रेंड वीडियो में आप लोग बने रहे, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमारा इस प्रकार है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करें, तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। फ्रेंड हमारा ये जो कार्य है ए और बी दोनों मिलकर जब कर रहे हैं 15 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं, और बी जब अकेला कर रहा है तो 20 दिन में समाप्त कर दे रहा है, तो अकेला अगर ए करे तो कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो आइए फ्रेंड हम देखते हैं इसको किस प्रकार किया जाता है। तो हम सबसे पहले ए और बी का कार्य देखेंगे, ए और बी कितने दिन में समाप्त कर दे रहे हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में, 15 दिन में। अब फ्रेंड क्या करेंगे, बी का देखेंगे, बी अकेले कर रहा है तो कितने दिन में कर दे रहा है, ये हमारा बी है, बी अगर अकेले कर रहा है तो ये 20 दिन में कर दे रहा है। अब टोटल हम कार्य निकालेंगे, टोटल कार्य निकालेंगे तो फ्रेंड हमारा इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो हमारा यहाँ पे 60 आ जाएगा, 60 हमारा एलसीएम हो गया। अब जब यहाँ पे 15 से भाग करेंगे तो इसका हमको ए और बी का एफिशिएंसी पता चल जाएगा, एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं इसका हमको पता लगाने के लिए 15 से भाग देना पड़ेगा 60 में, तो 15 चौका 60 हो जाएगा, चार बार में जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड
बी का एफिशिएंसी पता लगाने के लिए हमको 20 से भाग देना पड़ेगा 60 में, तो तीन बार में जाएगा। तो फ्रेंड हम देख रहे हैं कि जब दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो उनका एफिशिएंसी 4 आ रहा है, और जब बी अकेले कर रहा है तो उसका एफिशिएंसी 3 आ रहा है। तो फ्रेंड जब हम ये दोनों की एफिशिएंसी में से बी का एफिशिएंसी घटा दे रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए तो एक आ रहा है, या तो इस प्रकार आप निकाल लीजिए, या तो क्या कीजिए, दोनों का जब जोड़ रहे हैं तो उनका योग आ रहा है 4 आ रहा है। अगर एक का एफिशिएंसी हमको 3 पता है, इसका 3 है बी का, तो इसका कितना होगा, 1 होगा। तो फ्रेंड अगर इसका हमको ए का पता चल गया तो यहाँ पे 60 में भाग कर देंगे तो हमको ए का कार्य पता हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 दिन आ जाएगा। तो फ्रेंड जो बी जो कार्य करेगा वह 20 दिन में समाप्त कर देगा, और ए जब कार्य करेगा वह 60 दिन में समाप्त कर देगा। तो ए का जो हमारा कार्य आ जाएगा 60 दिन। उम्मीद है कि फ्रेंड आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अगर फ्रेंड अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।